जी गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलकम कहता हूँ। हम बात कर रहे हैं वैट की, हम बात करेंगे प्री रजिस्ट्रेशन इनपुट टैक्स की रिकवरी की। हम जब वैट के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं उस पीरियड से ऑनवर्ड्स तो हम अपना इनपुट टैक्स क्लेम करते हैं और करना चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पिछला वैट यानी रजिस्टर्ड होने से पहले का वैट क्या हम क्लेम कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस। यानी आप जिस दिन रजिस्टर्ड होते हो, और वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो या वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन हो, उस रजिस्ट्रेशन डेट से पहले अगर कोई आपने परचेजिंग या एक्सपेंस किए हैं, परचेजिंग या एक्सपेंस किए हैं उन पे आप वैट क्लेम कर पाएंगे। गुड्स की कंडीशन है कि 4 साल तक के पीरियड यानी रजिस्ट्रेशन डेट से पिछले 4 साल के पीरियड की गुड्स, लेकिन वो आज रजिस्ट्रेशन के दिन स्टॉक में पड़ी हो, तो हम उन पुरानी परचेजेस पे वैट यानी इनपुट टैक्स रिकवर यानी रिसीवेबल यानी हम गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। क्या कहा? रजिस्टर्ड अब हो गए, रजिस्ट्रेशन की डेट पे गुड्स पड़ी हुई हैं स्टॉक में, 4 साल तक के पुरानी है, अप टू मैक्सिमम 4 ईयर्स ओल्ड, लेकिन रजिस्ट्रेशन के दिन वो आपके पास स्टॉक में अवेलेबल हैं, तो आप ऐसी गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये सर्विसेज हैं तो फिर 4 ईयर्स नहीं, 6 महीने तक के पुरानी सर्विसेज हों, मैक्सिमम पीरियड रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले 6 महीने तक की सर्विसेज हों, लेकिन रजिस्ट्रेशन के दिन रजिस्ट्रेशन की डेट पे वो रेंडर हो रही हो, यानी सर्विसेज डिसकंटिन्यू ना हो, स्टिल सर्विसेज चल रही हो, तो फिर उन सर्विसेज के केस में भी हम क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन से पुराना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट जो बिजनेस यूज में है उस पे भी गुड्स वाला रूल अप्लाई होगा कि जो बिजनेस के यूज में रजिस्ट्रेशन की डेट पे आ रहा हो और पीछे 4 साल तक के पुराना मैक्सिमम खरीदा हो, तो उस पर भी हम इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। कैसे करेंगे? क्वेश्चन को देखेंगे। एक्स लिमिटेड ने कुछ ट्रांजेक्शन्स की हैं। सबसे पहले इसकी रजिस्ट्रेशन डेट, अब ये कैसे निकालते हैं रजिस्ट्रेशन डेट, ये हमें आता है। वॉलंटरी केस में कैसे निकलती है, कंपल्सरी केस में कैसे निकलती है, हिस्टोरिकल और फ्यूचर टेस्ट में रजिस्ट्रेशन डेट की इफेक्टिविटी कैसे होती है, हमें अब पता है, हमें निकालने आती है। अब इसको सॉल्व करना है एक एक ऑप्शन। अकाउंटेंसी सर्विस स्टैंडर्ड रेटेड होती हैं, क्योंकि जो जीरो रेटेड और एग्जाम की लिस्ट में नहीं आता वो स्टैंडर्ड रेट होता है। पर अब आप देखें, जनवरी 21 है, अकाउंटेंसी सर्विस होता है, तो सर्विसेज के केस में 6 महीने तक के पुरानी हो और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो जारी हो, कंटिन्यू हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि यार इस पे आप इनपुट क्लेम कर लो। सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंटेंसी की पेमेंट आपने की है फेब 2020, हमारी रजिस्ट्रेशन है जनवरी 21 से 6 महीने तक के पुरानी सर्विस और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो कंटिन्यू हो, क्या ये 6 मंथ्स के अंदर है कि 6 मंथ्स से ज़्यादा पुरानी है? तो अकाउंटेंसी सर्विस जो है उसमें 6 मंथ्स प्रायर का रूल है, ये वाली जो है वो मोर देन 6 मंथ्स है, यानी फेब, जनवरी से पीछे 6 महीने देखना है तो जुलाई टू दिसंबर देखना था, ये तो फेब है, यानी इस मोर देन 6 मंथ्स, तो इस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो पाएगा, इस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मोर देन 6 मंथ्स हो गए हैं, इसको मोर देन 6 मंथ्स नो इनपुट टैक्स कैन बी रिक्लेम्ड, गवर्नमेंट से आप इनपुट वापसी नहीं मांग सकते। नेक्स्ट है रेंट, रेंट टू अ लैंडलॉर्ड, दिस इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो एग्जेम्प्ट होती है एग्जेम्प्ट पे इनपुट टैक्स होता ही नहीं, क्योंकि जो एग्जेम्प्ट होता है वो ना आउटपुट देती है, जो चीज एग्जेम्प्ट होती है ना उसका आउटपुट लगता है ना इनपुट, तो इससे भी कुछ भी नहीं होगा, उसमें तो देखना ही नहीं है कि कितना पुराना ने कितना नया, एग्जेम्प्ट के केस में तो आउटपुट होता ही नहीं है। फिर है स्टेशनरी खरीदी,
1150 की वैट साथ, स्टेशनरी सर्विस नहीं है, गुड्स हैं। अब इसमें 4 साल तक देखना है। रजिस्ट्रेशन है जनवरी 21, खरीदी है 15th October 2020, विद इन 4 ईयर्स, यस। और ये कहा गया है नीचे की लाइन में कि रजिस्ट्रेशन की डेट पे 60% ऑफ इन्वेंट्री इंटेंडेड फॉर रीसेल हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, द स्टेशनरी वॉज अनयूज एंड द कंपनी स्टिल ओन्स द मशीन। मशीन क्या, तो अगला नोट है, द स्टेशनरी वॉज अनयूज, कुछ स्टेशनरी बिक गई है और कुछ स्टेशनरी पड़ी हुई है। तो हमारा रूल क्या है, 4 साल तक के पुरानी हो तो यस, इनपुट कैन बी रिक्लेम्ड। कैसे, 1150 अमाउंट 1150 है, बताया नहीं है, लिखा हुआ है इंक्लूडिंग वैट। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि ग्रॉस, ग्रॉस के केस में 120 से डिवाइड करते हैं तो ये एक आंसर आ जाएगा 192। अब इसमें हम क्या करें, इसमें कोई इन्होंने नहीं बताया है, बस स्टेशनरी है, बॉड हेडेड स्टेशनरी, तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं, तो यही हम कहेंगे कि भाई लिखा हुआ है ना नीचे, द स्टेशनरी वॉज अनयूज, यानी एज इट्स इन स्टॉक, सारी की सारी स्टॉक में है, 4 साल के अंदर पुरानी है, तो 192 का हम इनपुट टैक्स क्लेम गवर्नमेंट से कर लेंगे। फिर है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 5000 प्लस वैट, तो इस तरह से जो चीज लिखी होती है ये नेट होती है कि ग्रॉस अमाउंट होती है, तो सर आपका फॉर्मूला था और हमने बचपन में भी पढ़ा है, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस वैट, तो इसने इस तरह से लिखा है 5000 प्लस वैट, तो इस तरह से लिखना हमेशा नेट फिगर होती है, तो 5000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 नेट फिगर है ना, इसलिए। अब एक छोटी सी बात, क्या ये 4 साल के अंदर है, स्टॉक है ना, इन्वेंट्री है, जनवरी 21 और उसकी डेट देखें तो नवंबर 2020, विद इन 4 ईयर्स है, तो यस इनपुट टैक्स कैन बी रिक्लेम्ड। लेकिन नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ऑन स्टॉक विच इज, कितना परसेंट स्टॉक में पड़ा हुआ है, क्या सारा पड़ा हुआ है, स्टेशनरी तो सारी पड़ी हुई थी, इसमें क्या लिखा हुआ है, 60% ऑफ इन्वेंट्री इंटेंडेड फॉर रीसेल हैड बीन सोल्ड, 60% बिक गई है, तो स्टॉक में कितनी हुई, 60% जब बिक गई है तो स्टॉक में कितनी हुई, 40%, और इनपुट टैक्स रिक्लेम सिर्फ उस अमाउंट पे होता है जो स्टॉक में पड़ी हो, तो 20% 5000 नेट अमाउंट थी, इस पे टैक्स निकाला और सिर्फ 40% ऑफ द इन्वेंट्री पे ये रिक्लेम होगा, क्यों, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन के टाइम स्टॉक में पड़ी हो उसी पे वैट रिक्लेम होता है। मशीन नीचे लिखा हुआ है कि कंपनी स्टिल ओन द मशीन, यानी मशीन कंपनी के कामों में इस्तेमाल हो रही है, मशीन भी गुड्स की तरह 4 साल देखना होता है, जनवरी 21 में रजिस्टर्ड हुआ, मशीन खरीदी है 14th November, विद इन 4 ईयर्स है, बिजनेस यूज में है मशीन, तो हम क्या लिखेंगे, यस वैट इनपुट टैक्स कैन बी रिक्लेम एज इट्स यूज इन बिजनेस, 6500 प्लस वैट, इस तरह से लिखता है तो ये नेट अमाउंट होती है, हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 1300 का हम वैट इस केस में क्लेम कर लेंगे। टोटल इनपुट टैक्स कैन बी रिक्लेम, ये हमने जो निकाला है 192 प्लस 400 प्लस 1300, जो भी आंसर आएगा ये हमारा प्री रजिस्ट्रेशन इनपुट टैक्स है, रजिस्ट्रेशन से पहले होने वाले खर्चे, एक्सपेंस परचेजेस एसेट्स पे हम गवर्नमेंट से वापसी मांग लेंगे। तो ये था हमारे पास प्री रजिस्ट्रेशन इनपुट टैक्स का एक छोटा सा टॉपिक। फिर है कंप्यूटेशन ऑफ वैट लायबिलिटीज, ये आपको बातों बातों में ही बता दिया, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस टैक्स करके भी दिखाया, ग्रॉस दिया हुआ हो फिगर या इंक्लूसिव हो तो डिवाइड 120 से करते हैं, नेट दी हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, वैट क्वार्टरली पे होता है, वैट किस पे होता है,
क्वार्टरली पे होता है। क्वार्टरली का मतलब हर तीन तीन महीने में वैट नॉर्मली पे होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसकी, कुछ स्कीम्स हैं जो कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएंगी। इस चैप्टर में जनरल बात की जा रही है कि वैट जो है वो क्वार्टरली पे होता है, सिंपल इज दैट। फिर वैट पीरियड अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ ट्रेड होता है, ठीक है, कंपनी अपने बिजनेस साइकिल के हिसाब से उसको सेट कर सकती है। मोस्ट वैट रजिस्टर्ड बिजनेस हैव टू यूज मेकिंग टैक्स डिजिटल सॉफ्टवेयर टू डायरेक्टली सबमिट वैट रिटर्न्स। कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज ने बनाए हुए हैं जो HMRC से कनेक्टेड हैं और ऑटोमेटिकली उनका वैट रिटर्न HMRC को सबमिट हो जाता है, ठीक है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में हम पढ़ चुके हैं। वैट रिटर्न ऑनलाइन जमा करवाना है। अब ये जो ग्रीन बॉक्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैट रिटर्न क्वार्टरली बनाना है तो जमा कब करवाना है? तो देखें, अगर ऑनलाइन जमा करवाते हैं तो मस्ट बी सबमिटेड 1 month and 7 days आफ्टर द एंड ऑफ रिटर्न पीरियड। जब आपके 3 महीने खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपके पास 1 month और 7 days का टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्वार्टर खत्म होता है जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने आपका क्वार्टर, आपका ईयर एंड है जनवरी टू दिसंबर, तो पहला क्वार्टर यानी पहले 3 month आपके खत्म होंगे 31 मार्च को। तब आपके पास टाइम कब तक है? 1 महीना 7 दिन यानी अप्रैल का पूरा महीना और मई के 7 दिन यानी आपको 7th of May तक वैट रिटर्न क्या कर देना है? जमा करवा देना है। इससे पहले करा सकते हैं, इसके बाद कराओगे तो फिर आपको फाइन वगैरह देना पड़ेगा। ये नॉर्मल है, कंपनी जो है वो ऑनलाइन ही जमा करवाती हैं। और द ड्यू डेट फॉर एनी पेमेंट, यही डेट है, एनी वेयर ड्यू मस्ट बी पेड, और इलेक्ट्रॉनिकली मैनुअल चेक नहीं जमा होता, ऑनलाइन पेमेंट होती है। जब आपका आउटपुट कम हो इनपुट ज़्यादा हो तो रीपेमेंट क्लेम होती है, तो उसको आप मंथली वैट जो है वो आप गवर्नमेंट से मांग देंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टैक्स पॉइंट। टैक्स पॉइंट क्या होता है? टैक्स पॉइंट होता है जिस दिन आपको वैट चार्ज हो जाए। टैक्स पॉइंट उस चीज, उस पॉइंट को, उस डेट को बोलते हैं जब हमें वैट देना पड़े। आपको ऐसा लगता होगा आज की स्टेट इससे पहले कि जिस दिन हम सेल करते हैं वही हमारा, उसी दिन हमें वैट की कैलकुलेशन करनी होती है। टैक्स पॉइंट उसी को बोलते हैं कि जिस दिन आप वैट की, आप पे वैट ड्यू हो जाए यानी जिस दिन आप बेचते हो। बेसिक टैक्स पॉइंट तो यही होता है, BTP, बेसिक टैक्स पॉइंट क्या है? जब आप सर्विसेज या गुड्स को सप्लाई करते हो, द डेट ऑफ सप्लाई यानी जब आप माल या सर्विसेज किसी को देते हो वहां पे आपको टैक्स वैट कैलकुलेट करना है यानी वैट आप पे चार्ज होता है। ये बेसिक टैक्स पॉइंट है। एक होता है एक्चुअल टैक्स पॉइंट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिफरेंट होती हैं तो उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आप माल एडवांस कैश पे बेचते हो, नॉर्मली तो माल उधार पे जाता है, पहले माल जाता है फिर पैसे आते हैं, तो टैक्स पॉइंट जो है वो क्या होगा? जिस दिन आपने माल दिया या सर्विस दी। लेकिन अगर पैसे पहले आ जाएं और माल बाद में जाए तो फिर बेसिक टैक्स पॉइंट नहीं, एक्चुअल टैक्स पॉइंट अप्लाई होता है कि जो पहले आ जाए यानी अगर पैसे पहले आ गए, पेमेंट पहले आ गई, तो जिस दिन आपने पैसे लिए हैं उसी दिन आपको वैट की कैलकुलेशन कर लेनी है, भले आपका स्टॉक अभी तक आगे मूव नहीं हुआ या आपने सर्विसेज रेंडर नहीं की। बेसिक टैक्स पॉइंट क्या है? जब माल या सर्विसेज दी जाए। लेकिन अगर एडवांस पे आप बेचते हो तो फिर जिस दिन आपके पास एडवांस कैश आ गया वही आपका एक्चुअल टैक्स पॉइंट है और उसी दिन आपको वैट की वर्किंग करनी है। आप माल के जाने का या सर्विस के रेंडर होने यानी बेसिक टैक्स पॉइंट का वेट नहीं करते, ठीक है। इनवाइस अगर पहले इशू हो जाए तो फिर इनवाइस एक्चुअल टैक्स पॉइंट बन जाएगी, बेसिक टैक्स पॉइंट को फिर हम दोबारा भूल जाएंगे। इनवाइस बेसिक टैक्स पॉइंट के 14 दिन के अंदर है तो फिर इनवाइस डेट जो है वो एक्चुअल टैक्स पॉइंट बनेगी, बेसिक टैक्स पॉइंट को हम भूल जाएंगे। फिर सेल और रिटर्न गुड्स बेसिस, आप दराज वगैरह, अमेजोन वगैरह, कोई प्रॉपर ऑनलाइन पोर्टल से चीज़ें खरीदते हो या किसी भी अच्छे स्टोर से खरीदते हो तो कभी कभी एक आपको ऑप्शन मिलता है कि पसंद ना आए तो वापसी कर देना, पसंद ना आए तो वापसी कर देना। तो अब फॉर एग्जाम्पल,
मैंने 1 जनवरी को कुछ चीजें सेल की रिटर्न बेसिस क्लॉज के साथ कि अगर पसंद ना आए तो वापसी कर देना, तो क्या मेरा वैट जिस दिन मैंने सेल की है यानी 1 जनवरी उसी दिन वैट चार्ज हो जाएगा? नहीं, जिस दिन कस्टमर की वो क्लॉज एक्सपायर होगी, फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी को दिया और कहा 15 दिन में समझ आए ना आए तो 15 दिन में वापसी ले लूंगा, वरना फिर आप रख लेना। तो 15 को वो क्लॉज एक्सपायर हुई, तो जैसे ही वो रिटर्न बेसिस एक्सपायर हुई या कस्टमर ने इससे पहले ही आपको कहा, कह दिया 2 दिन में ही कि हाँ यार अब चीज मेरी हुई ठीक है, मुझे अब 15 दिन का वेट नहीं करना, मुझे समझ आ गई है, तो जैसे ही कस्टमर उसको एडॉप्ट कर लेता है या वो हमारा रिटर्न पीरियड में जो हमने एक ड्यूरेशन दी है वो एक्सपायर होती है, हमारा टैक्स पॉइंट वहां से स्टार्ट होगा यानी वैट वहां से चार्ज होगा। अब मैंने कस्टमर को एक चीज बेची, मैंने ट्रिक खेली, मैंने कहा कि जब कस्टमर एडॉप्ट करता है जब वैट चार्ज होता है ना, मैंने सेटिंग बनाई, मैंने कस्टमर को कहा भाई देख टैक्स अथॉरिटी को घुमाते हैं, मैं तेरे को रिटर्न बेसिस के साथ इनवॉइस भेजूंगा लेकिन अपनी सेटिंग है। नीचे लिखा हुआ था रिटर्न बेसिस ओपन, यानी कोई पीरियड आपने बाउंड ही नहीं किया, और आपने उसको कहा तू एडॉप्शन का मुझे लेटर नहीं देना कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे वैट बच जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ये तो ट्रिक खेल गया कि माल बेचा रिटर्न बेसिस पे, ड्यूरेशन नहीं डाला, ओपन छोड़ दिया और कस्टमर ने उसको एडॉप्शन भी नहीं दी, तो वैट तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि वैट तो उस वक्त लगता है जब माल एडॉप्ट हो जाता है, यानी वो बंदा या तो एक्सपायर हो जाए, टर्म एक्सपायर हो जाए, रिटर्न पीरियड का दिन एक्सपायर हो जाए, या सामने वाला एडॉप्शन ले ले कि हाँ भाई ये चीज़ मेरी हो गई। अब यहाँ तो दोनों चीज़ें मिसिंग है, तो वैट तो बच गया उसका, गवर्नमेंट को तो नुकसान है। तो गवर्नमेंट ने इस सेंस में एक पीरियड लगाया है मैक्सिमम 12 मंथ्स आफ्टर डिस्पैच, अगर ओपन एंडेड रिटर्न बेसिस के ऊपर आप कोई चीज़ बेचते हो और एडॉप्शन 12 महीने तक नहीं आती, तो फिर डिस्पैच की डेट से 12वें महीने पे, 12 महीने जैसे ही होंगे आपको उसका वैट देना पड़ेगा, भले एडॉप्शन नहीं है भले एक्सपायर नहीं है। यानी सम अप करें तो रिटर्न बेसिस पे माल बेचा तो जैसे ही आपने आपने कहा 10 दिन में समझ आए तो ठीक वापसी कर देना वरना तुम्हारा, तो 10 दिन जैसे ही पूरे होंगे वैट चार्ज हो जाएगा, या कस्टमर 10वें दिन कहे या इससे पहले कह दे कि भाई मुझे माल समझ आ गया है इट्स माइन नाउ, तो वो दिन आपका टैक्स पॉइंट बन जाएगा, टैक्स चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही मिसिंग हैं तो फिर जैसे ही 12 महीने हो जाएंगे डिस्पैच की डेट से तो वो आपका टैक्स पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट है वेंडिंग मशीन्स। पाकिस्तान में कुछ मॉल्स में हम जाएं तो हमें वेंडिंग मशीन्स मिल जाती हैं, अच्छे मॉल्स में हम जाएं तो वेंडिंग मशीन मिलती है, अगर हम फॉरेन चले जाएं जापान चले जाएं तो वहाँ तो केएसई वेंडिंग मशीन है, केएसई वेंडिंग मशीन का है, हर गली मोहल्ले में वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं। यूएई चले जाएं वेंडिंग मशीन्स पेप्सी कोक चिप्स वगैरह वेंडिंग मशीन से बहुत आम है। वेंडिंग मशीन जो है उससे सेल होती है, आप कॉइन डालते हैं या नोट डालते हैं, वो वेंडिंग मशीन आपको जूस चिप्स कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं। तो जिस दिन आपने कॉइन डाला उस दिन को वेंडिंग मशीन के ओनर को वेट देना होगा कि कब देना होगा, तो वेंडिंग मशीन के केस में टैक्स पॉइंट होता है जिस दिन वो मशीन खोल के कंपनी वाला उसके पैसे उठाता है वो दिन इसका टैक्स पॉइंट है, उस दिन उसको वैट चार्ज हो जाता है, उस दिन उसको वैट की कैलकुलेशन करनी होती है। टैक्स पॉइंट का मतलब जिस दिन आपको वैट की वर्किंग कर लेनी है अपनी बुक्स में, वैट आउटपुट टैक्स रिकॉर्ड कर लेना है, पेएबल टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड कर लेना है, ये कहलाता है टैक्स पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार सुनेंगे, एक बार रीड करेंगे, इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा। दो क्वेश्चंस हैं टैक्स पॉइंट के हवाले से, एक है क्यू लिमिटेड। क्यू लिमिटेड रिसीव एन ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम कस्टमर ऑन 14 अगस्त, डिस्पैच हुआ है 18 को, पेमेंट हुई है 15 सितंबर को, दे व्हेन दे रिसीव द इनवॉइस व्हिच वाज डेटेड 14 सितंबर, इनवॉइस 14 को हुई है, टैक्स पॉइंट क्या होगा बेसिक वाला? तो बेसिक टैक्स पॉइंट भाई हमें पता है, बेसिक टैक्स पॉइंट वो होता है जिस दिन माल जाता है या सर्विस रेंडर होती है। तो माल कब डिस्पैच हुआ है 18 अगस्त को, तब 18 अगस्त को माल डिस्पैच हो गया है तो 18 अगस्त इज योर्स
टैक्स बेसिक टैक्स पॉइंट। ये हो गया कहानी खत्म। बी पार्ट में कहा गया एक्सप्लेन द इफेक्ट, यानी ए पार्ट का बेसिक टैक्स पॉइंट का आंसर मैं टाइप भी कर दूं आपको ताकि सहूलत रहे कि बेसिक टैक्स पॉइंट हमेशा जिस दिन माल जाता है वो दिन या सर्विस दी जाती है वो दिन बेसिक टैक्स पॉइंट होता है, विच इज 18th August 2020। ठीक है, बी पार्ट में कहता है कि बताओ क्या फर्क पड़ेगा अगर इनवाइस जो है वो 30th August को इशू की जाए, तो 14 डेज वाला क्या रूल था, देखें दिखाते हैं आपको क्योंकि अभी अभी पढ़ा है आपको याद नहीं है। अगर इनवाइस विद इन 14 डेज इशू हो जाए तो इनवाइस डेट जो है वो एक्चुअल टैक्स पॉइंट बनेगा और उस दिन वैट की वर्किंग होगी। कहता है इनवाइस 30th August को अगर इशू हो, ए रिक्वायरमेंट के लिए क्वेश्चन में तो इनवाइस डेट 14 सितंबर थी, अब उसको हटा के वो कह रहा है कि 13 अगस्त को इनवाइस इशू हो विद इन 14 डेज, यानी 18th August से 30th August, ये विद इन 14 डेज है, इनवाइस इशूड विद इन 14 डेज ऑफ बेसिक टैक्स पॉइंट, यानी जिस दिन माल गया उसके 14 दिन के अंदर इनवाइस इशू हुई। So, इस बंदे को बेसिक टैक्स पॉइंट के हिसाब से वेट की वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, एक्चुअल टैक्स पॉइंट आपका जो है वो इनवाइस डेट हो जाएगा, यानी ये बंदा आउटपुट टैक्स पेबल रिकॉर्ड करेगा कब, जब 30 अगस्त 2020 आ जाएगी। ये है सिंपल सा टैक्स पॉइंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है ओक लिमिटेड। आप देख रहे हैं इंडिविजुअल कंपनी सबके लिए टैक्स पॉइंट एक ही है, कोई फर्क नहीं है, कंपनी का नाम आता है तो कभी इंडिविजुअल का आता है क्योंकि ये थ्योरी सेम है वैट की सबके लिए। ऑन 30th April 2020 ओक लिमिटेड ऑर्डर अ न्यू फिलिंग मशीन एंड ऑन 16th May पेड अ डिपॉजिट ऑफ 25,000। 30th April 2020 इसने ऑर्डर किया, 16th May 2020 25,000 इसने दिया एडवांस में डिपॉजिट। द मशीन वॉज डिस्पैच 31st May 2020 को मशीन डिस्पैच की है वेंडर ने, और 12 जून 2020 को इनवॉइस आई है, और 20th June 2020 को बैलेंस पे किया है हमने। अब आपसे पूछा है टैक्स पॉइंट बताइए, क्या पूछा है टैक्स पॉइंट बताइए 25,000 पे और उस पे, दोनों फिगर्स पे बताना है, आसान है। देखें सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने ये खरीदा, तो टैक्स पॉइंट का मतलब आउटपुट देने वाला और इनपुट लेने वाला, कब हम इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे, तो सीधी सी बात है 25,000 डिपॉजिट की बात करेंगे पहले। नॉर्मल है ये तो कि बेसिक टैक्स पॉइंट कब होता है, जब माल खरीदा जाता है, जिस दिन सर्विसेज या गुड्स दी जाती हैं, तो वो डेट हमारे पास आ रही है 31st May। ये तो हो गया बेसिक टैक्स पॉइंट, लेकिन डिपॉजिट जो है इसने क्या किया है, पहले दे दिया है कि नहीं दे दिया, तो इस केस में बेसिक टैक्स पॉइंट वॉइड हो जाएगा और एडवांस की डेट जो है वो हमारे पास जो है वो बन जाएगी एक्चुअल टैक्स पॉइंट, यानी इस दिन हम क्या करेंगे वैट की वर्किंग करेंगे। बेसिक टैक्स पॉइंट अपनी जगह है लेकिन जब एक्चुअल टैक्स पॉइंट आ जाता है तो बेसिक टैक्स पॉइंट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है और हम बेसिक पे वैट की वर्किंग नहीं करते, एक्चुअल टैक्स पॉइंट पे करते हैं। और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर एडवांस में पैसा मिल जाता है तो जिस दिन एडवांस में पैसा मिला वो आपका एक्चुअल टैक्स पॉइंट बनेगा, उस दिन आप वैट की वर्किंग करेंगे, बेसिक टैक्स पॉइंट को भूल जाएंगे, इग्नोर कर देंगे। फिर आता है अगला बैलेंस पेमेंट, यानी क्लोज किया आपने ना ये अकाउंट, क्लोज किया आपने बैलेंस पेमेंट की। बैलेंस पेमेंट जो होती है उसकी इनवाइस होती है,
इनवाइस की डेट होती है, हमें पता है इनवाइस की डेट जो है वो 14 डेज के अंदर हो, तो फिर इनवाइस की डेट बन जाती है बैलेंस पेमेंट। यानी हमारा जो बीटीपी था वो है 31 मई 2020, लेकिन इनवाइस डेट जो है वो क्या है, 12 जून 2020। देखें ये विद इन 14 डेज है कि नहीं है। यस इट्स विद इन 14 डेज, सो एक्चुअल टैक्स पॉइंट विल बी इनवाइस 8 जो कि है 12 जून 2020। यानी इस केस में भी जो वैट की कैलकुलेशन होगी 75,000 की अमाउंट पे, वो भी कब होगी, वो भी 12 जून को होगी, क्योंकि इनवाइस विद इन 14 डेज है। तो हम जिस दिन डिस्पैचिंग हुई है, जिस दिन माल आया या गया है या सर्विस दी गई है, उस दिन नहीं वैट की वर्किंग करेंगे, हम इनवाइस डेट पे करेंगे, क्योंकि इनवाइस डेट विद इन 14 डेज है। तो ये है हमारे पास टैक्स पॉइंट की कहानी। टैक्स पॉइंट की वीडियो को आगे जाने से पहले एक मरतबा दोबारा देखिएगा, 2 से 3 मरतबा टैक्स पॉइंट की जो थ्योरी है उसको देखिए, दोनों क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि टैक्स पॉइंट ही जो है अभी तक जितना हमने वैट पढ़ा है उसमें सबसे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है।